हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षा शुरू होने वाली है, ऐसे में बच्चों को एग्जाम को लेकर टेंशन होना स्वाभाविक है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद बागेश्वर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा कुंजन अब आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। इस बार हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा के प्रति उनके मन में कोई तनाव नहीं है। बता दें कि कुंजन ने पिछले साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें पीएम ने बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नसीहत से अब कुंजन का अपने रोजमर्रा की तनाव भरी जिंदगी के प्रति नजरिया ही बदल गया है। कुंजन अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि प्रेशर में परीक्षा को कैसे हैंडल करना चाहिए। इन सभी मुद्दों पर पीएम ने खुल के बात की। मेरा एक्सपीरियंस तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि बहुत अच्छा रहा। हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हमको, जिससे कि मेरा खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और जिससे कि मेरा स्टडीज़ में जो है और ज़्यादा मन लगने लगा है। हमें सर ने बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई है कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए। अगर हमें सुबह अच्छा लगता है तो हम सुबह पढ़ सकते हैं, अगर हमें रात को पढ़ने में अच्छा लगता है तो हम रात को पढ़ सकते हैं। उन्होंने हमें ये भी बताया कि जो हमारे एग्ज़ाम्स है उसे हमें एक फेस्टिवल की तरह लेना होता है, और जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं वो सिर्फ हमारी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए लिए जाते हैं, हमें चेक करने के लिए नहीं लिए जाते हैं। और मैं चाहती हूँ कि इस टाइप के इंटरेक्शंस और होते रहें, जिससे कि जैसे बेनिफिट मुझे मिला है उस तरीके से और बच्चों को भी मिले और सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल और इंक्रीज हो जाए और स्टडी में और ज़्यादा फोकस हो। बेनिफिट तो मुझे बहुत सारा हुआ है। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने हमें बहुत सारी बातें बताई कि हमें कैसे पढ़ना चाहिए, और उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया, जिससे कि मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आ गया है। और मैं स्टडीज़ के साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ होती है उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ, और जो हमारा स्टडीज़ की जो टेक्निक है वो भी हमें सर ने बताई है, जिससे कि जो हमारी स्टडीज़ है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। गौरतलब है कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को साल 2018 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद इस इवेंट का आयोजन हर साल किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री छात्रों और शिक्षकों के साथ बातचीत करने के लिए आते हैं। बता दें कि अब तक 2.24 लाख से अधिक शिक्षक और 78,000 अभिभावकों ने कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट।